राजीव जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा सदस्य एवं मुंबई के पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री आशीष शेलार जी को मंच पर लाए एवं आसन ग्रहण कराए। आशीष जी शायद अनुपस्थित हैं। मैं राजीव जी से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे महाराष्ट्र राज्य मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर जी शायद वो भी अनुपस्थित हैं। और अब मैं राजीव जी से गुजारिश करती हूँ कि मैं समय हूँ सीरियल महाभारत में अपनी आवाज से प्रभावित करने वाले विविध कार्यक्रमों के आवास की दुनिया के सरताज माननीय श्री हरीश कुमारी जी को मंच पर लाए, ब्रजनारायण जी को मंच पर लाए एवं आसन ग्रहण कराए। शायद ब्रजनारायण जी उपस्थित नहीं हैं। मैं अनिल कपूर जी से, अनिल कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे जानी मानी बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन एवं ईएमएस मधु चोपड़ा जी, उनके स्वरूप माननीय राजीव जी, डॉक्टर शोमा घोष, माननीय राजीव जी एवं शोमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं अनिल कुमार जी से, शुभांकर जी से और शोमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह से माननीय श्री उदित राज जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं शुभांकर घोष जी, सोमा घोष जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय श्री हरीश भिमानी जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। मैं पंडित जसराज जी, हेमंत जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आप
संगीत क्रांति कमेटी मेंबर हैं और विशेष समिति में आप एडवाइजर भी हैं। पंडित जसराज जी और हेमा जी, मधुसूदन अग्रवाल जी का स्वागत। फोटोग्राफर ने कहा कि आप पंडित जी
उस्ताद जी आप लीजिएगा नहीं, मैं एक अच्छा फोटोग्राफ लेता हूँ, सच में बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है। और ऐसे ही यादगार बनती रहती है। हमको मैंने उनके कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए, सियाटल में मैंने किए, वैंकूवर में मैंने किए, लंदन में मैंने किए, न्यूयॉर्क में मैंने किए, कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए। और उनकी शनाई तो यहाँ है, दिल में है, क्योंकि जब कोई सही सुर लगता है तो उनकी याद आ जाती है, ये उनका है। वो कलाकार ऐसे थे कि भुलाए नहीं, भूल सकते, क्योंकि हर सुर में जो सच्चा सुर लगेगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद आएगी। बस आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी मतलब बड़ी अच्छी कलाकार है। मैं और दुर्गा जी मेरी बेटी, हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि बापू आप हेमा जी को क्या समझते हैं। मैंने कहा मैं कह दूंगा तो जरा अतिशयोक्ति नहीं समझना, मैंने कहा कि लता जी और हेमा जी वो अपनी शैली गाने में और ये अपने तो उनके हाथ से अवार्ड दिलाया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा ठीक है, मैंने तो इनको यही कहा कि आज आपने आके इज्जत रख दी, जिसका भी नाम नमस्कार किया जा रहा था वो नजारत थे, मगर हमारी प्यारी पब्लिक आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपको हजार हजार कोटि नमन करता हूँ कि आप तो आए। जय हो। धन्यवाद पंडित जी, और अपना गुजारिश करती हूँ माननीय हेमा मालिनी जी से कि वे हमें संबोधित करें। माननीय पंडित जसराज जी, शोमा घोष जी, इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और आप सबको मेरा प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भाग्य मिला है। देश विदेश में बहुत ही मशहूर कलाकार श्री बिस्मिल्लाह खान साहब के शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग शहर में मनाया जा रहा है, आज मुंबई में है। और यहाँ के हमारे बहुत ही संगीत के सम्राट पंडित जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब के मधुर ध्वनि जो शहनाई द्वारा जो मिलती थी सुनने को, उसने तो पूरे देश को मोहित कर दिया था। लेकिन अफसोस कि मुझे कभी ऐसा एक अवसर नहीं मिला उनको मिलने का और सामने बैठकर उनके वाह जो बजाते हैं उसको सुनने का नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत ही बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनका जो शहनाई बजाते हैं, उनका जो ढंग है, उन्होंने एक नई पहचान दी शहनाई की। और आज भी जो शहनाई और सारंगी का जो कॉम्बिनेशन में जो बज रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, जो बहुत दिनों के बाद ऐसे सुनने को मिला। शायद बनारस में कभी मिलता होगा लेकिन मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई में इस स्टेज में बहुत सारे बॉलीवुड के गाने बजते हैं जो हम हर जगह हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इस तरह का जो संगीत जो सुना अभी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे खुशी है कि खान साहब के नाम पर आगे भी बहुत कलाकारों को ये सम्मान किया जाएगा, वो सब बहुत ही भाग्यशाली होंगे ऐसे सम्मान जो मिलेगा उन लोगों को। और आज के कार्यक्रम में राजीव वर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी। और अब मैं राजीव जी से एवं अनिल कुमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मंच के समक्ष प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए लेकर जाएं।